मुश्किल हो इसलिए तैयार रहते। क्या तुम्हारे ख्याल में इस बात का ताल्लुक उस नए विलन से है जिसके बारे में हम बातें सुन रहे हैं? टर्टल, अरे छोटे से टर्टल से डर गए, उसे क्या होता है, उसको हम खाना। अरे अब हम इसके गुलाम ना बन जाए। हजार टन बड़ा टर्टल है। मुझे नहीं लगता ये किसी को हर्ट करने की कोशिश कर रहा है, ये सिर्फ खाने के लिए कुछ ढूंढ रहा है। ओके गैंग, इसे डराते हैं इस टर्टल टर्न को ताकि यहाँ से चला जाए। देखो प्रांतो करता क्या। ये क्या गंदगी है, मुझे ये गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं। उसका शेल हमारे स्लग्स के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेरे ख्याल से टर्टल टर्न को अपनी नई खुराक मिल गई। गाइस, मेरी मदद करो। मेरा ख्याल है कि हम जेली स्लग निकालने के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। लेकिन अभी इस जेली और प्रॉन्टो को तो आपस में से छुड़ा। एग्जैक्टली, यही तो प्रॉब्लम है। थोड़ा जल्दी करना होगा। On three, one, two, three. मेरी बात। उसे भूल जाओ प्रॉन्टो। लेकिन मेरी बात तो बस यही है। ओह डूड, तुम्हें ये नहीं देखना चाहिए। I know, buddy. मैंने भी एक बार अपनी पैंट खोई थी। ये स्लग तेरा की सबसे बेहतरीन पैंट। हम तुम्हें एक नई पैंट ले देंगे, ये कैसा रहेगा? मुझे नहीं चाहिए तुमसी पैंट, मुझे बस वही वाली चाहिए। हमें उस कछुए को वापस उसके हॉल में भेजना होगा। मगर कैसे? लगता है हमें एलिमेंटल्स का इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, एलिमेंटल्स। बी केयरफुल इलाई, एलिमेंटल्स को कंट्रोल करना मुश्किल है। ये बहुत ज्यादा तेज हो चुके हैं। मुझे लगता है इन्हें एक्शन होता नजर आ गया है, इसीलिए ये कुछ ज्यादा एक्टिव हो गए। राइट, तुम्हारे सिवा डॉग, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम इस तरह के एक्शन के आदी हो, मगर बाकी सब ओके। ये एलिमेंटल जवाब नहीं दे रहा है मेरे स्लग फू को। मैं रोकता हूँ इसे। हे, काम डाउन हो जाओ मेरे दोस्त। तुम्हारा स्लग्स के साथ कम्युनिकेट करने का तरीका बहुत अच्छा है इलाय, लेकिन तुम्हें इनका मास्टर बनना होगा अगर तुम इन स्लग्स को कंट्रोल करना चाहते हो। मुझे नहीं मालूम जिंजय, स्लग्स को कमांड करना मेरा स्टाइल नहीं है। तुम्हें इसे अपना स्टाइल बनाना होगा और तुम्हें सीखना होगा स्लग फू। तुमने कहा था स्लग फू एलिमेंटल्स पर काम नहीं करता। ये सच है, मेरी सारे ट्रेनिंग के बावजूद एलिमेंटल्स मेरी कमांड नहीं मानते, लेकिन इलाय का स्लग्स के साथ जो रिश्ता है उसे वो सब कुछ हासिल करने के काबिल बना सकता है जो मैं नहीं कर सकता। ये सब सुनने में तो जबरदस्त लग रहा है, लेकिन इलाय, हम तुम्हारे डैड को कब ढूंढेंगे? और उन विलन्स का क्या करना है जो दूसरे केमिस्ट में छुपकर लोगों को बहुत ज्यादा तंग कर रहे हैं? उन्हें भी चेक किए जाना जरूरी है। और प्रॉन्टो को भी एक पैंट की जरूरत है। गैंग ठीक कह रहा है जुंजय, मैं अपने डैड को बचाने के बाद ही स्लग फू के लिए टाइम निकाल सकता हूँ।
लेकिन पहले ये पता करना है कि वो है कहाँ। ईलाय, तुम्हारे फादर की तलाश के सफर से पहले तुम्हें एलिमेंटल्स के इस्तेमाल को सीखने की जरूरत है। इस सफर पर निकलने से पहले तुम्हें उन पर मुकम्मल कमांड हासिल करना होगा। कम ऑन, अब वो इतने आउट ऑफ कंट्रोल भी नहीं है। वाह, तो पेन की सेल लगी हुई है। तो कब शुरू करें? इसी वक्त से शुरू होती है तुम्हारी ट्रेनिंग। ये देखो कैसा लग रहा हूँ मैं। $5 as he loses them in 3 days. Sooner. All right, everybody, let's go learn some slug fu. No, mastering slug fu requires one-on-one training. You and I must leave together without your friends. So, just me and my slugs? I'm sorry. You must leave your slugs with them too. Even Burpee? Especially Burpee. You know too much about each other. It will complicate learning the slug fu technique. You think this is a good idea, bro? I'm not sure, but you were right earlier, Cord. Those rumors of a new villain in the distant caverns? Someone's gotta look into that. Can you guys at least try to behave until I get back? Do not worry. New Pants Pronto knows just what to do. The elementals are going nowhere. Good thing Eli left this to Pronto. To deal with the elemental slugs, you need a firm hand, new pants, and a secret weapon. Where'd Pronto get another jellyish? Weshi! तुम लोगों को जेली में जमाने का आइडिया अच्छा है। कम से कम प्रॉन्टो की रिस्पेक्ट। ये अपना हंसी मजाक बंद करो, मैं भी सीरियस हूँ, इन्हें कुछ सिखाना चाहता हूँ। ये है स्लग फू। तुम और स्लग फू? प्रॉन्टो खुद को ट्रेनिंग दे रहा है और मैं इसकी हरकतें रिकॉर्ड कर रही हूँ। मजा आ गया प्रॉन्टो, तुम्हें इस तरह मुंह के बल गिरते हुए देखकर। तुम मुझे कभी नहीं समझ सकते, ये मेरा अपना स्टाइल है स्लग फू का। और हाँ, तुम्हें आता है तो करके दिखाओ स्लग फू। किसने किया है? चलो पकड़े ले। तो ये वो जगह है जहां मैं स्लग फू सीखूंगा? नहीं, पहले हमें नए स्लग्स जमा करने होंगे। महसूस करो। मुझे ये तरीका मेरे सीफू ने सिखाया था। देखा तुमने, अब तुम करो। क्या कोई और है वहाँ? मुझे मदद की जरूरत है। क्या कोई ऐसा स्लग है जो फन और एक्शन के लिए मुझे ज्वाइन करना चाहे? नहीं नहीं, तुम गलत समझे हो। इसके लिए तुम्हें हाँ बोलो, मुझे पहले क्या करने की जरूरत है? मुझे इस तरह से ट्रेन नहीं किया गया।
मगर ये तरीका अच्छा है, इसलिए तुम्हें कहा जाता है शेन। तुम्हारे पास एक तोहफा है स्लग्स के साथ ताल्लुक बनाने का। थैंक्स, मुझे लगता है ये ऐसी चीज है जो मैंने अपने फादर से सीखी थी। बर्पी, तुम यहाँ पर कैसे आ गए? मुझे पता होना चाहिए था तुम दूर बिल्कुल नहीं रह सकते। तुम्हारी स्लग्स के साथ एक बॉन्डिंग है, लेकिन तुम्हें उन्हें कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा और सीखना है। ये केविन अब पूरी तरह से होली गैंग के कब्जे में है। अब तुम्हारे पास जितने भी शख्स हैं वो हमारे हुए। घबराओ नहीं ओल्ड टाइमर, हम इन्हें ऐसा नहीं करने देंगे। अगर तुम लोग अपनी सलामती चाहते हो तो हमारे केविन से निकल जाओ। ओ अच्छा, तो हमें कौन निकालेगा? तुम? लगता है ऐसे नहीं मानोगे। बीमार फ्लॉपर के साथ। इस बीमार और बेकार फ्लॉपर को फायर करोगी हम पे? इसे तो रहम की जरूरत है। हे लड़की, हम होली गैंग हैं और ये केविन अब होली गैंग का हो चुका, तुम यहाँ से चली जाओ। तुम्हें मौका मिल रहा है, चली जाओ यहाँ से। हाँ, दूर चली जाओ, ये तुम्हारी आखिरी वार्निंग है। वाओ, तुम लोग कौन हो लिटिल गाइस? क्या इन्हें मजा चकाने में मेरी मदद करोगे? सर्दी लग रही है प्रांतो। मजाक मत करो। ट्रैकर अभी तक एलिमेंटल्स को रीड कर रहा है, ये अच्छी खबर है। डूड, तुम लकी हो कि ये मेरे पास है। बट क्या तुम दिलवा सकते हो किसी तरह मेरी पैंट? बिल्कुल बेकार है ये। कुछ मिला? नहीं, ये केविन बेकार है, एक भी अच्छा स्लग नहीं है यहाँ पर। मेरे पास है। तुमने ये स्लग्स कहाँ से लिए? ये स्लग्स मुझे दे दो। ठीक है, ये लो। क्या तुम लोग भी खेलना चाहोगे? ओके, वो बहुत करीब है। गाइस, द होली गैंग? उस तरफ नहीं जाना, तुम लोग उसका मुकाबला नहीं कर सकते, बल्कि कोई भी नहीं कर सकता। नाइस लैग डूड। लगता है कोई टफ स्लिंगर होगी, देखते हैं आगे कौन है। डोंट वरी शेन गैंग, हम अपना ख्याल रख रहे हैं। होली गैंग शायद अपनी सलाहियत खो चुका है। ये है क्या? वाओ, द एलिमेंटल्स इस तरफ। वो आगे रुक चुके हैं और वो अगले मोड़ की तरफ है। चलो, कम से कम प्रांतो को पैंट मिल गई। अब कितनी तेज में काट कर रहा हूँ, सर्दी मिलेगी। वो रुको, क्या लॉक एंड लोड? अब जब हम जमा कर चुके और जुड़ चुके हैं अपने फ्लज लिंक्स के साथ, तुम्हारी स्लग फूड ट्रेनिंग अब शुरू होती है। इनमें से किसी एक को चूज करो। ओके मैक्स, शुरू करते हैं। मैक्स, तुमने इन्हें नाम भी दे दिए? ओ हाँ, ये ब्लू वाला रिक्स है और ये नया वाला जोकर। क्या कहते हो, सूट कर रहे हैं इस पर? क्या मैंने कुछ गलत किया है? नहीं, दरअसल बस वो सिर्फ मैं भी अपने नए स्लग्स के साथ जुड़ चुका हूँ, लेकिन मुझे कभी इनका नाम रखने का ख्याल नहीं आया।
लेकिन क्या ये मुनासिब नहीं अगर इसका भी नाम हो? हाँ यकीनन। दरअसल हम किसी स्लग का नाम नहीं रखते जब तक उसे इस्तेमाल करते कुछ अरसा न गुजर जाए। वेल इट्स इजी, इसका नाम रखो येन। तुम्हारा तरीका मुख्तलिफ है लेकिन रिजल्ट वही आता है। लगता है तुम मुझे भी सिखा रहे हो। चलो अब शुरू करते हैं। चैलेंज है, तुम पर मुख्तलिफ जगहों से हमला हो गया है। पीस ऑफ केक, मेरे पास बहुत से स्लग्स हैं। सिर्फ एक स्लग को इस्तेमाल करते हुए। एक स्लग? लेकिन टारगेट तो हर जगह फैले हुए हैं। ऑब्जर्व, दिस इज द फन पार्ट। मेरा नया स्लिक सिल्वर मेरे दिमाग की कमांड्स पर अमल करेगा। क्या तुम ये तरीका सीखना चाहते हो? नो, बल्कि मुझे जरूरत है इसे सीखने की। फायर व्हेन यू आर रेडी। ओके मैक्स, तुम ये कर सकते हो राइट? मैं मूव्स बताऊंगा, तुम फॉलो करते रहना। क्या कहते हो? हाँ सब मूव्स बहुत परफेक्ट तरीके से की मगर फिर भी नहीं हुआ। मैं क्या गलती कर रहा हूँ? स्लग फू के लिए अपना दिमाग खोलना मुश्किल होता है। तुम्हें यकीन रखना होगा कि ये वाकई में काम करेगा। आओ फिर से कोशिश करते हैं। चलो मेरे ख्याल से हमें दूसरा तरीका आजमाना होगा। छोड़ दो इन्हें, ये स्लग्स हमारे हैं और इसी में तुम लोगों की भलाई है। वेल, जो चीज जिसके पास है वो उसी की हो जाती है और जो खो दे उनके लिए अफसोस। मेरे भाई को मुहावरे नहीं आते लेकिन जो इसे करना आता है वो मैं तुम लोगों को बड़े अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ। बेहतर होगा ये मत करो ब्रो, तुम्हें अंदाजा नहीं ये क्या कर रहे हो। ओह, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ ये बताने के लिए। हम जानते हैं कि हमारे पास क्या है। दी एलिमेंटल्स। हाँ, ये है दी एलिमेंटल्स। और इनके साथ हमारा रास्ता हो जाएगा बहुत आसान और हमारी जिंदगी भी बदल जाएगी। आज के बाद तुम लोग हमें कभी भी हरा नहीं सकोगे। हाँ, इस बार हम हराएंगे खुद को। नहीं लॉर्ड, इस वक्त हमें कोई नहीं हरा सकता। सीधो मेरा पुराना शिकार और जानी दुश्मन। समझ ले रखे, तुम हार गए। क्या सीडो के पास है एलिमेंटल्स? आखिर इस सब के बारे में इनको पता कैसे चल जाता है? सही, ये तो ठीक रहे हो तुम। क्या हुआ, तुम मुझे क्यों ऐसे देख रहे हो? अच्छा तो तुम मुझ पर शक कर रहे हो? हो सकता है मेरे मुंह से निकल गया हो लेकिन वो बात शायद उस वक्त की है जब। अच्छा ये सवाल तो हो गया, एक राज की बात होता हूँ, पहले थोड़ा करीब तो आओ। हमारे पास एक एलिमेंटल है और हाँ ये बात किसी को बताना नहीं।
जमीन, हवा या दहकती हुई आग हो या हो एनर्जी, बस मैंने इन्हें अपनी पावर से बोला मेरे पास आ जाओ, उसके बाद ये मेरे हो गए। लेकिन ये बात मैं किसी को बताना नहीं चाहता, समझे? ये सब हुआ तो ये एलिमेंट्स मेरे कब्जे में आ गए, माफी चाहता हूँ। हाँ, लेकिन ये किसी को बताना नहीं है। बस अब बताओ इसमें प्रॉन्टो की क्या गलती है? मुझे तो गुस्सा उन लोगों पे जो मेरे राज को छुपा ना सके। क्या तुम मुझे बताओगे हम जा कहाँ रहे हैं? किसी ऐसी जगह जहाँ तुम्हारे पास अपना पूरा जहन स्लग फू के लिए खोलने के सिवा कोई चॉइस ना हो। मैं जानता हूँ इसका क्या मतलब है। मैंने मार्शल आर्ट्स की बहुत मूवीज देखी हैं। हम दूर किसी पहाड़ की चोटी पर जा रहे हैं जहाँ हम जाकर सीधे बैठ जाएंगे और ओम कहते रहेंगे 10 दिनों तक। ये बिल्कुल भी वैसी पहाड़ी नहीं जैसी मैं सोच रहा था। तुम्हारी असल ट्रेनिंग अब शुरू होती है। सो, हम किसी गलत जगह तो नहीं आ गए? नहीं, ये वही जगह है जहां मैं तुम्हें लाना चाहता था। मैं समझता हम यहाँ आए हैं ट्रेनिंग के लिए। यही तुम्हारी ट्रेनिंग है, तुम्हें सिर्फ स्लग फू को अनलॉक करने की जरूरत है। वर्पी इन्वेंटरी। मैं जानता हूँ तुम सब अच्छा करोगे। ये इनके बारे में नहीं है, इसका ताल्लुक तुमसे है। मैंने तुम्हें स्लग फू का तरीका बता दिया, लेकिन उसे करने के लिए तुम्हें खुद पर यकीन होना चाहिए। I'll do my best. ये क्या? तुम्हारी ट्रेनिंग अब शुरू होती है। थोड़ी मदद मिलेगी जिंजर। तो मेरी मदद करोगे है ना? मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि यही एक रास्ता है। तुम्हें ज्यादा से ज्यादा तजुर्बा करना है प्रेशर का, ताकि तुम्हारा जहन खुले स्लग फू के लिए। तुम बहुत स्लो हो स्पाइडर गाय। ओह मैन, आई एम सो सॉरी। ये नकली है। ये नकली है, अपने आप को तो देखो। ऑसम, इससे ज्यादा फनी यूनिफॉर्म मैंने कभी नहीं देखा। मुझे अब घर जाना चाहिए। इलाय, वो देखो। बहुत टाइम बाद मैं इतना हंसा हूं। दैट्स क्रेजी। मोल मंड, यकीन नहीं आ रहा कि हम एक बार फिर इस अजीबोगरीब जगह पर आ गए हैं। इस काम को जल्दी करना है प्रॉन्टो। जितनी देर एलिमेंटल्स हमारे हाथों से दूर रहेंगे मैं उतनी ही नर्वस रहूंगी। तुम्हें नर्वस होने की कोई जरूरत नहीं। देखो, हर चीज में थोड़ा दिमाग और वक्त तो लगता ही है। कानून तो ये है कि हर मोलोनाइट को बादशाह की बात माननी तो चाहिए, जो कि मैं हूँ। और इसी वजह से सीडो को चाहिए कि वो मेरा हुक्म माने। जब मैं उससे एलिमेंटल मांगू तो वो फौरन दे दे। किसने ये जबरदस्त एलिमेंटल हासिल किए? मैंने, यानी सीडो ने किए हैं। वाह, देखो कैसे चलता हुआ आ रहा है जैसे एसी की जगह हो। एक बादशाह की हैसियत से इस जगह में जब चाहूं आ सकता हूं, और ये मेरा हक है। और इसी हक से कहता हूं, वापस करो एलिमेंटल्स मुझे। और हाँ, एक बात और माननी होगी मेरे लिए। चिकन सैंडविच टोमेटो विद क्यूकम्बर फौरन पेश किया जाए। ओ हाँ सही, लेकिन सबसे पहले मुझे ये एलिमेंटल वापस करो।
अगर मैं मना कर दूं तो? तुमने इनकार किया? इतनी बड़ी गुस्ताखी? गार्ड्स, ले जाओ इसे यहाँ से। गार्ड्स, गिरफ्तार करो इसे। ओ, क्या कहा तुम? मुझे पकड़ने का कह रहे हो? मेरे ही गार्ड से? ये है मेरा हुक्म, गिरफ्तार करो इसे और इसके साथियों को भी, और ब्लास्टर भी ले लो। प्रॉन्टो ये पूछना चाहता है, आखिर ये गार्ड्स मेरी बात सुन क्यों नहीं रहे जबकि बादशाह मैं हूँ। मोलमंड की किताब के मुताबिक ब्लेस्ड वॉल्यूम में वाजे ही तौर पर लिखा हुआ है। वो मोलोनाइट जिसके पास बेहतरीन किस्म के स्लग्स हो वो हुकूमत करने का हकदार होगा। ज़ीनो बेहतरीन स्लग्स का मालिक है, उसी के पास मोलमंड में बेहतरीन स्लग्स मौजूद है, इसीलिए कानूनी तौर पर मैं ही किंग हूँ। Now guards, arrest this fool! मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, ये जगह, ये अजीब हेंचमैन, हम इनसे कैसे निपटेंगे? सिर्फ अगर तुम स्लगफू का इस्तेमाल करो। तुम्हारे पास ये एक ही मौका है अपने जहन को खोलने और इस पर कंट्रोल हासिल करने के लिए। ओके। का किंग हूँ तो तुम लोग मेरे सामने झुक जाओ। शुक्रिया अदा करो मेरा। सीडोस जो शानदार है एलिमेंटल के इस्तेमाल से मोलमंड को सबसे शानदार बना देगा 99 के अंदर। तुम ये नहीं कर सकते, ये बहुत खतरनाक है। नहीं कर सकता, मेरे पास ये है तो इसलिए मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं। अब सच से मैं स्विमिंग पूल बनाऊंगा जो सबको पसंद है। डरो नहीं मेरे भीगे हुए साथियों, फायर एलिमेंटल सब ट्राई कर देगा। क्या किसी को लगता है कि ये एक बुरा आइडिया है? सीधा तुम्हें रुक जाना चाहिए। हवाई अब इस गर्मी को खत्म कर सकती है। अब अर्थ एलिमेंटल ही बचाए तो हम सबकी मदद कर सकता है। बहुत शुक्रिया मुझे ये एलिमेंटल्स गिफ्ट करने के लिए फूल्स। अब ये अजीब सी चीज क्या थी? वो सारे एलिमेंटल्स लेकर भाग गया। नहीं वैसे सारे तो लेके नहीं गया, देखो डॉक अभी भी हमारे पास। मुझे पता चल गया वो कहाँ जा रहे हैं। लेट्स गो। जाहिर है अब जब मेरे पास एलिमेंटल्स नहीं रहे तो मैं किंग में नहीं रहा, इसलिए बाय। इसका पीछा करो बर्फी। मैं ऐसे स्लगफू नहीं सीख सकता। हाँ मैं तवज्जो ही नहीं दे पा रहा, इतनी सारी मारपीट और शूटिंग और खुद को मरने से बचाना। नहीं इतना भी मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। मैं समझ रहा था कि ये टेस्ट तुम्हारी बर्दाश्त का इम्तिहान लेगा, लेकिन तुम मेरी तवक्को से ज्यादा बेहतर निकले। थैंक्स। स्लग्स को फायर किए बगैर भी तुम इन्हें कंट्रोल कर सकते हो, और ये तभी कंट्रोल हो सकता है जब तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन ना हो। मैं सिर्फ ये कहूंगा कि अब तुम्हारे सारे ऑप्शंस खत्म हो गए हैं। तुम कौन हो? I am Spirit.
ट्रैकर बता रहा है हम करीब हैं। क्या तुम्हें एलिमेंटल्स की खुशबू आ रही है प्रॉन्टो? क्या कहा? नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस इसे खाने की सोच रहा था। क्या मजेदार है ये। तो इंसान मेरे जाल में फंसकर ऐसे हिल रहे हैं जैसे कोई मक्खियां हो। बर्पी, तुम सब ठीक हो? मुझे ये अजीब लगता है कि मेरा मास्टर प्लान सामने आने वाला हो और उसके दरमियान में कोई मुदाखलत कर दे, लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्पाइरलिंग्स, इन इंसानों के चारों तरफ फैल जाओ। इंसान भरोसे के काबिल नहीं होते, चाहे आप इन्हें अच्छा स्पाइडर क्यों ना बना दें, ये तब भी बेवकूफों जैसा ही अमल करें। और बांधो इन्हें। वैसे मेरे प्लान के बारे में इनको किसने बताया था? तुम्हारे हंसमैन ने हमें कुछ भी? ये बताना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि ये सब दिखने में एक जैसे हैं। मुझे याद आ रहा है किसी ने मुझसे एलिमेंटल्स के बारे में कुछ कहा था। हाँ, the elementals, वही स्लग जो इतने ताकतवर हैं कि स्लग टेरा की चारों फॉल्ट लाइंस पर रुकावट खड़ी कर सकते हैं। मगर ये सब करने की वजह क्या है? हम फॉल्ट लाइन पर रुकावट लगाकर हर जगह को मलबे का ढेर बना देंगे। स्लग टेरा, तुम लोगों के रहने के काबिल नहीं रहेगा, लेकिन हम स्पाइडर्स इस मलबे में बहुत खुश रहेंगे और ये दुनिया हमारी हो जाएगी। और फिर इस केबिन को भी तबाह कर देंगे, सब खत्म हो जाएगा, बस स्पाइडर्स ही महफूज रहेंगे। बॉस, तुम जानते हो ना कि हम स्पाइडर्स नहीं हैं? देखो ये कॉस्ट्यूम भी एकदम नकली है। बहुत बकबक करते हो, तुम्हारी जबान बंद करनी पड़ेगी। तुमने एलिमेंटल्स को कैसे हासिल किया? उनके बारे में तुम्हें कैसे पता चला? ओ, बहुत अच्छा सवाल किया। चलो ये देखो, मैं मैक्स जैक्सन के एपिसोड मिस नहीं करता। समझे, ये सब हुआ तो ये एलिमेंट्स मेरे कब्जे में आ गए, माफी चाहता हूँ। हाँ, लेकिन ये किसी को बताना नहीं है। आई गेस मुझे समझ जाना चाहिए था कुछ ऐसा ही होगा। पांचों एलिमेंटल्स मेरे कब्जे में आने से अब स्लग टेरा की किस्मत मेरी मुट्ठी में होगी। बॉस, तुम्हारे पास वहाँ सिर्फ चार हैं। क्या, चार? एक दो तीन चार, पांचवे एलिमेंटल के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। तुम लोग एनर्जी एलिमेंटल को ढूंढो, वो यहीं कहीं घूम रहा होगा, उसे ढूंढना बहुत जरूरी है। हम लोग एलिमेंटल्स लेने आए हैं, दो हमें वापस। ठीक है, लेकिन एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे बताओगे कि वो जो स्लग है क्या वो एनर्जी एलिमेंटल है? हाँ, ये वही है। प्रॉन्टो, नो, ये देखो, दी एनर्जी एलिमेंटल। फिर मुझे दे दो। टूट। स्पाइडरलिंग्स, अटैक! दी एनर्जी एलिमेंटल, इट्स द लास्ट पीस ऑफ पजल। अब इस तबाही को कोई भी नहीं रोक सकता। क्विक कैनन कमिंग ऑनलाइन, पावर लेवल 18 पर है और बढ़ रहा है। हिस करने की वजह समझ नहीं आ रही, सांप हिस करते हैं, स्पाइडर्स नहीं करते हिस। मेरा ख्याल है कुछ बड़े वाले करते हैं, ये मुझे रात भर जगाए रखते हैं। गुड टाइमिंग गाइस। वाटर एलिमेंटल लोडेड, लॉन्च सीक्वेंस को शुरू करो अभी। लॉन्च सीक्वेंस शुरू कर, जल्दी करो। हिस, हमें इस कैनन को लोड होने से पहले स्पाइरेक्स को रोकना होगा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, हमें इस कचरे के ढेर को तबाह करना होगा। स्लग्स भी इसमें दाखिल नहीं हो पा रहे। कैनन 100% चार्ज हो चुका है, लॉन्च का आगाज हो रहा है। हिस,
fire, water elemental. Affirmative. Hiss. अब शुरू होने जा रही है स्पाइडर्स की हुकूमत। अब कैनन को तैयार करो एयर एलिमेंटल के लिए। स्पाइडर लिंक्स रोको इन्हें। बेवकूफ इंसानों, एयर एलिमेंटल को फौरन लॉन्च करो। इधर देखो जो यहां से एक बड़े लाल बटन का मतलब जानते हो क्या होता है? दबाई। वाओ, कैनन्स ऑफिसर चार्ज हो चुका है तेजी से। एयर एलिमेंटल के लिए खुल रहा है बॉम्बे डोर। फायर एयर एलिमेंटल। अब स्लगफू का वक्त आ गया है इलाय, जब दुनिया दांव पर लगी हुई है यही तुम्हारे लिए बेहतरीन लम्हा है। कोब्रो, तुम पर है सब कुछ। हमें स्पाइरेक्स को रोकना है आखिरी एलिमेंट लॉन्च करने से। Initiate fire elemental launch. Launch initiated. By the way, किसी ने मुझे रेड बटन के बारे में बताया था, इससे काफी वक्त बचेगा। Earth elemental ready. बस ये आखिरी चांस है। ओके बर्बी, यही वक्त है। डू ऑर डाई। फायर द अर्थ एलिमेंटल। हिस। अफर्मेटिव। स्लग और रेड एक ही है, मैं इन्हें कंट्रोल कर सकता हूँ। नाउ बर्बी। इंसानों के खिलाफ हमारे हथियार वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे सोचा था। सेफ्टी कोकून लाओ। सेफ्टी कोकून एंगेज्ड। सॉरी, इसमें कोई जगह नहीं है तुम्हारे लिए स्पाइडर लिंक्स। ओके, यू नो व्हाट, दैट्स इट, आई क्विट। जैसे ही मैंने इन कपड़ों को देखा था मुझे पता था कि ये नहीं चलने वाला। सॉरी। मैंने देखा तुमने किया था स्लगफू। वो जो कुछ भी था कोई फायदा नहीं हुआ। एलिमेंटल्स अपने टारगेट पर 90 सेकंड्स में हिट करेंगे। मुझे लगा तुम चले गए। मैं ये देखना चाहता हूँ ये कैसे काम करते हैं। तुमने पहले भी किया है और तुम स्लग टेरा की तबाही से पहले उनका रुख वापस मोड़ सकते हो। मैं तो जानता ही नहीं कि मैंने क्या किया था। स्लग फू को तुम अच्छी तरह जानते हो। लेकिन सिर्फ तुम्हारा ही ऐसा कनेक्शन है जो स्लग फू को एलिमेंटल्स कंट्रोल करने के काबिल बना सकता है। लेकिन वो अब क्यों काम करेगा जब उसने पहले नहीं किया? क्योंकि अब तुम यकीन रखते हो। Come on guys, चलो वापस आ जाओ, तुम मुझसे नहीं लड़ोगे। शायद तुम मुझसे लड़ोगे। तवज्जो एक जगह, खाली दिमाग, पूरा यकीन।
सब एक साथ हैं। तुमने कर दिखाया ईरा, वो वापस आ रहे हैं। वैसे एलिमेंटल्स वापस कभी नहीं आते। फर्स्ट टाइम फॉर एवरीथिंग। Amazing job, guys. हाँ मेरे प्यारों, अब हमारी यहाँ हुकूमत होगी। हैं? हाँ? हाँ? नहीं नहीं नहीं, स्पाइडरलिंग्स, क्यों ना बैठकर हम इस मसले पर बातचीत करें और इस मसले को हल कर लें, क्या ख्याल है? हाँ? हाँ? मानना नहीं, देखो हम लोग आपस में मिलकर भी आखिरी बात कह रहा हूँ, हम स्पाइडर्स नहीं हैं। ये तुम्हारे हवाले दोस्तों। मैं तुम्हारा लीडर हूँ, क्या तुम लोग भूल गए? मैंने तुम्हारे लिए इतने खौफनाक इम्तिहान का मंसूबा नहीं बनाया था, लेकिन आखिर में उसने तुम्हें तुम्हारी इंतहा तक पहुँचा दिया ताकि तुम स्लग फू पर कंट्रोल हासिल कर सको। वैसे मैं एक बात सोच रहा था कि ये जो कुछ भी एलिमेंटल के साथ हुआ भले मेरी वजह से हुआ, अगर ये ना होता तो एलाई सीख सकता था क्या स्लग फू? हाँ। हेलो केविन कॉन्फिडेंशियल, आवाज आ रही है कि एलिमेंटल मेरी वजह से अगवा हुए और ये एक राज है। लेकिन हाँ, ये किसी को बताना नहीं।